हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि टैली ERP9 में हम सेपरेट डिस्काउंट का कॉलम कैसे बना सकते हैं, चाहे वो परचेज वाउचर की बात करें या सेल्स वाउचर की बात करें या कोई भी वाउचर की बात करें। अगर डिस्काउंट लगाते हैं तो वो डिस्काउंट का कॉलम कहां से हम एक्टिवेट करेंगे और कैसे एक्टिवेट करेंगे और वो काम कैसे करेगा, आइए इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए आपको यहाँ पर हरे रंग की पट्टी जो दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर नीचे दो चीजें दिखाई पड़ रही होंगी, F11 फीचर्स और F12 कॉन्फिगर। तो आपको F11 या तो फंक्शन बटन प्रेस करना है, अदरवाइज ये फीचर्स का जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे कंपनी फीचर्स की विंडो ओपन होगी, यहाँ पर आपको इन्वेंटरी फीचर्स पे क्लिक करना है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये विंडो ओपन होगी इन्वेंटरी फीचर्स की, यहाँ पर आइए और यहाँ पर ये लिखा हुआ है इनवॉइसिंग में लास्ट में लिखा हुआ है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ये जो है नो है। फायदा क्या है नो रखने का, नो रखने का फायदा है कि यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम शो नहीं करेगा। कैसे नहीं शो करेगा आइए दिखाता हूं। सबसे पहले चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, आ गए हम परचेज वाउचर में है। चलिए एक सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल लेते हैं और यहां पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आ जाएगा, मैंने बना रखा है, एंटर प्रेस किया हमने और यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा। अब चलिए अब यहां पर कोई भी स्टॉक आइटम हमने बनाया, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड बनाया, तो यहां पर कीबोर्ड हम परचेज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 4 कीबोर्ड हम ले रहे हैं, तो यहां पर देख सकते हैं यहां कोई डिस्काउंट का कॉलम यहां पर शो नहीं हो रहा है। ये एंट्री तो हमारी हो रही है लेकिन यहां डिस्काउंट नहीं शो कर रहा है, यहां पर डिस्काउंट कैसे शो करेगा वही बताना चाहता हूं आपको। बाहर आ जाते हैं और यहां से आते हैं फीचर्स पर और अब हम आते हैं कहां पे, इन्वेंटरी फीचर्स पर। जैसे इन्वेंटरी फीचर पे आएंगे एंटर करिए और आ जाइए कहां, इनवॉइसिंग में, और इनवॉइसिंग में आते ही आपको यहां पे जो नो है इसको यहां पे प्रेस करना है वाई और प्रेस करना है एंटर, और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, एंटर 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 करते जाइए और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आ जाइए आप अकाउंटिंग वाउचर पे, वी प्रेस कीजिए। अब हम परचेज वाउचर में एंट्री करने वाले हैं, तो 60 नंबर का ये सप्लायर इनवॉइस नंबर दे दिया हमने और यहां पर आ जाएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर। अगर आपको नहीं बनाने आता तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, जो क्रेडिटर पार्टी है उसका नाम दीजिए और इसको किस ग्रुप में डालना है, सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में, और इस लेजर को आप बना लें, ठीक है, बना करके एक्सेप्ट करा लें। फिर आपको यहां पर वो लेजर यानी सन्ड्री क्रेडिटर वाला लेजर शो होने लगेगा। मैंने पहचान के लिए यहां क्रेडिटर नाम दे दिया है ताकि आपको ये पता चलता रहे कि ये क्रेडिटर पार्टी का ही लेजर है। एंटर प्रेस किया हमने और अब इसको एक्सेप्ट कराता हूं। यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा। अगर आपको परचेज अकाउंट का भी लेजर नहीं बनाने आता तो आप अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और लिखिए परचेज अकाउंट और उसको अंडर परचेज अकाउंट के ग्रुप में डाल दीजिए, एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करा लीजिए और बन जाएगा परचेज अकाउंट का लेजर। मैंने पहले से बना रखा है, मैं इसको यहां रख लेता हूं। अब यहां पर मैं जैसे मान लीजिए कीबोर्ड की बात करते हैं तो कीबोर्ड ही ले लेता हूं, तो कीबोर्ड की दो क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं, एक की कीमत 76 रुपए है। अब देखिए यहां पर डिस्काउंट का कॉलम शो हो रहा है और यहां हम परसेंट में डिस्काउंट दे सकते हैं। कैसे देंगे, जैसे मान लीजिए यहां 4% हमें करना, तो सिर्फ आप 4 लिखिए परसेंट अपने आप। अभी मैंने अगर यहां पे 0 रखा है तो क्या होगा, यहां पे कुल मिला के कीमत कितनी आ रही है, 152 रुपए आ रही है दो पीसेस की। अगर डिस्काउंट हम देते हैं, सपोज कीजिए मान लीजिए हमने दे दिया 6% का डिस्काउंट, तो ये अपने आप माइनस हो जाएगा। कैसे माइनस होगा ये देखिए, ये 152 रुपए था अब 142 रुपए लग रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से माइनस हो रहा है। चलिए दूसरे आइटम की बात करते हैं, माउस की बात कर, मदरबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो यहां देखिए मदरबोर्ड भी हम खरीद लेते हैं, एक मदरबोर्ड हम खरीद रहे हैं और एक की कीमत है 2300 रुपए और 2300 रुपए और इस पर डिस्काउंट कितना है, 1.2 इस बार पॉइंट में डिस्काउंट देंगे हम, तो 1.2% का डिस्काउंट दे दिया हमने और यहां आ गई 2272 रुपए 40 पैसे, ये माइनस हो गया और ये चीज हमारी आ गई। अब हम एक और स्टॉक आइटम बनाते हैं माउस का, तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और यहाँ पे MOUSE माउस किया हमने, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे पीस ही रहने देता हूं और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराता हूं। यहां पर आ गया, अब यहाँ पे 56 पीसेस माउस के हम खरीद रहे हैं और एक माउस पड़ रहा है हमको 70 रुपए का, इसके हिसाब से 56 पीसेस की कीमत आ गई। यहां पर हमको डिस्काउंट देना है तो यहाँ मान लीजिए 3.33% का डिस्काउंट है, तो यहाँ पे 3.33% के हिसाब से यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल गया और ये माइनस होकर आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि डिस्काउंट कैसे लगाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको एंड ऑफ लिस्ट करता हूं,
और यहां से हम न्यू रेफरेंस रख लेंगे और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, चाहे तो नरेशन डाल दीजिए। अब जब इसका प्रिंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, बाहर आते हैं। अब इसका प्रिंट निकालने की बात है तो प्रिंट निकालने के लिए कहां जाएंगे, पहले डिस्प्ले में दो बार डी प्रेस कीजिए, गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए ये नीचे वाला है और ये हमने परचेज किया था, अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो ये जो है इसके नाम से इसे सेव करता हूं, अब ये सेव हो रही है, ओपन करना होगा तो यहां से आके इस पीडीएफ फाइल को हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो ये हमारी पीडीएफ फाइल जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल कॉस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये टोटल यहाँ पे शो कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ रही होगी। अब